कलेक्ट्रेट परिसर में मुस्लिम समुदाय की दिख रही यह भीड़ सिया सेंट्रल वफ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने आई है। दरअसल वसीम रिजवी द्वारा इस्लामिक किताब कुरान को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी और हाई कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाए जाने की याचिका किए जाने से मुसलमानों में खासा आक्रोश है। देश में हर जगह मुसलमान वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं महोबा में भी मुसलमानों ने प्रदर्शन कर आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। शहर काजी अफाक हुसैन और सपा नेता रोशन अली छोटे मियां के नेतृत्व में पहुंचे मुसलमानों ने कहा कि वसीम रिजवी आए दिन इस्लाम को लेकर विवादित टिप्पणी करता है, लेकिन अब तो उसने हद ही कर दी और पवित्र किताब कुरान को लेकर ही विवादित टिप्पणी कर दी। यही नहीं, कुरान की 26 आयतों को कुरान से हटाए जाने की याचिका हाई कोर्ट में दी है। सभी मुसलमानों ने याचिका को खारिज किए जाने और वसीम रिजवी के खिलाफ राशुका की कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी कि कुरान शरीफ से 26 आयतों को डिलीट करने की, जिसमें कि हमारे दीन में मजहब में जब से ये किताब आसमानी किताब है कुरान शरीफ, एकदम बिल्कुल पवित्र किताब, इसमें ना तो एक नुक्ता इधर से उधर बढ़ सकता है ना घट सकता है, तो 26 आयतें कैसे डिलीट हो सकती। उसके इस याचिका से पूरी दुनिया के मुस्लिम समुदाय में बहुत बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि और इसके खिलाफ हम लोगों ने मांग की और पूरी दुनिया के मुसलमान मांग कर रहे हैं कि इस जैसे अराजक इंसान को, क्योंकि ये दुनिया में माहौल ख़राब करने का काम कर रहा है खास करके हिंदुस्तान में, इसके खिलाफ रासका जैसी कार्रवाई होना चाहिए और इसने जो याचिका दायर की है उसको तत्काल खारिज होना चाहिए। किसको किसके ज्ञापन दिया गया है? जी, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है सूफी इस्लामिक बोर्ड के माध्यम से। आज वसीम रिजवी जो इस सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने अक्सर कुछ ना कुछ खुराफात वो करते हैं। आज उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का काम किया। कुरान मुकद्दस जैसी एक अजीम और आसमानी किताब जिसका लेखक दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, उस रब्बुल आलमीन का जो पैगाम है, फरमान है, लेख है, उस लेख के बारे में उसने उंगली उठाकर ये इल्ज़ाम तराशी करने का जो काम किया है कि कुरान की 26 आयतें फसाद फैलाती हैं। कुरान के शान नुज़ूल को सबसे पहले उसे पढ़ना चाहिए। अभी कुरान का वो काफ नहीं जानता है और वो आयते करीमा जो भी है उन पर उंगली रखने का काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा शैतान कोई हो ही नहीं सकता, जो उस खुदा जो सारी दुनिया का मालिक है, और हम अपनी भाषा में उसे अल्लाह कहते हैं, हिंदी भाषा में उसे ईश्वर कहा जाता है, इंग्लिश भाषा में उसे गॉड कहा जाता है, ये भाषाएं हैं, लेकिन वो सारी दुनिया का मालिक एक है, उसके लेख को उंगली रखने वाला यकीनन कोई शैतान ही हो सकता है, कोई सच्चा इंसान हो ही नहीं सकता। लिहाजा हम हुकूमत हिंद से भी ये गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से अलग करके इनको जेल की सलाखों के पीछे डालें, ताकि आपकी पार्टी की छवि भी खराब ना हो और आपके मुल्क में अमनो अमान को खतरा भी ना पैदा हो पाए। बेशक बेशक, किसके किसके नाम ज्ञापन दिया गया? ये राष्ट्रपति महोदय के को संबोधित ज्ञापन दिया गया है। क्या मांग रखी गई? यही मांग रखी गई है कि इनको सबसे पहले तो पार्टी से ही अलग किया जाए। राष्ट्रपति महोदय से गुजारिश की गई है कि जिस पार्टी में है उसके प्राइम मिनिस्टर साहब को वो इस बारे में दबाव बनाए कि ऐसे शख्स को पार्टी से हटाया जाए। दूसरा, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, के चूंकि ये भारत है और हमारे भारत का जो संविधान है उस संविधान ने सारे भारतीयों को, जितने भी धर्म के लोग यहाँ पर बसते हैं, हर धर्म को आजादी दी है कि वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अगर कोई किसी के मजहब की ग्रंथों पर, किताबों पर उंगली रखता है, तो मैं समझता हूँ वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, और देश के दुश्मन की जो सजा होनी चाहिए वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय तय करें। हमारी जो एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने यहाँ पे किया है, जो हमारी पौराणिक संस्कृति है ये विलुप्त हो रही है,
पहले गांव में जो चांचड़ी कार्यक्रम होते थे अब धीरे धीरे वो समाप्त इस होते जा रही है, इसलिए हमने जो ये चांचड़ी का जो एक कार्यक्रम किया है, ये चांचड़ी का कार्यक्रम जो है प्रकृति का इसमें पूरा वर्णन है, खुद जिसमें गीत हैं और देवी देवताओं का सारा वर्णन है। तो ये चांचड़ी का कार्यक्रम एक तरफ से जो है हमारी जो पौराणिक संस्कृति है उसको जीवित रखने का एक छोटा सा प्रयास यहाँ पे हम लोगों द्वारा किया गया है।